हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल वेब बाइट। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा नेटफ्लिक्स इंडिया की वेब सीरीज सी के बारे में, स्टारिंग अदिति पोहंकर एस भूमि परदेसी, विजय वर्मा एस साक्षा, किशोर कुमार जी एस नायक, शिवानी रंगोले एस रूपा उर्फ भूमि सिस्टर एंड विश्वास किनी एस ऑफिसर जेसन फर्नांडिस, और इसके क्रिएटर या फिर राइटर हैं इम्तियाज अली। तो चलिए अब इसकी स्टोरी या फिर प्लॉट के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो अदिति पोहंकर उर्फ भूमि पेडनेकर, मेरा मतलब है भूमि परदेसी, अपने माँ और बहन के साथ मुंबई के एक चौल में रहती है और वो एक पुलिस कांस्टेबल है। लेकिन खुद एक पुलिस कांस्टेबल होने के बावजूद उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही लो है और वो हमेशा ही डरी डरी सी रहती है। तो एक दिन उनको और उनके एक साथी कांस्टेबल को मुंबई क्राइम ब्रांच के हेडक्वार्टर्स में एक खास काम के लिए बुलाया जाता है, और वहाँ उन लोगों की मुलाकात होती है ऑफिसर जेसन फर्नांडिस से, जो एंटी नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट के हेड हैं। तो वहाँ जेसन भूमि को बताता है कि सास्या नाम का एक क्रिमिनल है जो मुंबई में ड्रग्स की सप्लाई करता है और वो लोग उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और उसी ऑपरेशन में उन लोगों को भूमि की मदद की जरूरत है और इसके लिए उसे प्रोस्टिट्यूट बनना पड़ेगा, क्योंकि साक्षा का बस एक ही कमजोरी है और वो है लड़कियां। तो वो लोग भूमि को एक प्रोस्टिट्यूट बना के साक्षा के पास भेजेंगे ताकि वो साक्षा की आइडेंटिटी कन्फर्म कर सके और पुलिस उसके मदद से साक्षा को पकड़ सके। अब भूमि पहले तो थोड़ा हिचकी जाती है, लेकिन बाद में वो इस काम को करने के लिए तैयार हो जाती है। तो पुलिस डिपार्टमेंट इस काम के लिए भूमि का मेकओवर या फिर लुक चेंज करती है और उन्हें एक प्रोस्टिट्यूट जैसे बना देती है। अब भूमि को उसी होटल में एक प्रोस्टिट्यूट बना के भेजा जाता है जिसमें सास्ता ज्यादातर लड़कियां ढूंढने आता है। अब भूमि थोड़ा अलग बातें करके और अपना एटीट्यूड दिखा के सास्ता को अपने तरफ आकर्षित कर लेती है। उसके बाद सास्ता भूमि को अपने एक होटल में ले आता है और उसके ऊपर चढ़ जाता है। वो भूमि को सेक्सुअली मॉलिस्ट करने लगता है और ये कहने लगता है कि तेरे टांगों के बीच जो बिच्छू है उसे मैं मारूंगा तभी मुझे चैन आएगा। अब इन सब के दौरान भूमि एक पल के लिए थोड़ा बहक जाती है, लेकिन बाद में वो अपने आप को संभाल लेती है और अपने टीम के मदद से सस्या को पकड़ लेती है। तो ये कह सकते हैं कि भूमि के बिच्छू को मारने के चक्कर में सस्या अरेस्ट हो जाता है। अब सस्या पुलिस कस्टडी में भूमि से मिलने की मांग करता है और ये शर्त रखता है कि अगर भूमि उसे इंटरोगेट करेगी तो वो सब कुछ बहुत ही आसानी से बता देगा। अब ना चाहते हुए भी भूमि को ऑफिसर फर्नांडिस के ऑर्डर के कारण सस्या को मिलना पड़ता है और उसे इंटरोगेट करना पड़ता है। अब वादे के मुताबिक सस्या एक एक करके पुलिस को अपने सारे डील्स, अपने सारे ठिकानों का पता, ऐसे कई सारे इंफॉर्मेशन दे देता है, और इन सबको जांच करने के बाद पुलिस को पता चलता है कि सस्या सब कुछ सच बोल रहा है। अब इन सब के बीच वो भूमि को एक दिन अकेला पाकर ये बताता है कि वो किसी भी काम को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ता, और उसने भूमि के साथ उस रात को जो करने की कोशिश किया था वो अधूरा रह गया है और वो उसे पूरा करके ही छोड़ेगा। अब ये सब सुनने के बाद भूमि थोड़ा डर जाती है और वो इस इंटरोगेशन को बीच में ही छोड़ के चली जाती है। अब अगले दिन भूमि को पता चलता है कि उसे इस बात के लिए अपने ड्यूटी से सस्पेंड कर दिया गया है। अब जब वो घबरा के हेडक्वार्टर्स में आके फर्नांडिस सर से इसके बारे में पूछती है तो वो कहता है कि उन लोगों को अब भूमि की कोई जरूरत नहीं है। अब भूमि के तनख्वाह से ही उनका पूरा घर चलता है, तो वो नौकरी चले जाने के डर से घबरा जाती है और कुछ भी करके अपना जॉब वापस पाने में लग जाती है। अब इसी दौरान पुलिस डिपार्टमेंट के तरफ से उनका एक टेस्ट लिया जाता है और वो दोबारा फर्नांडिस सर से मिलती है और उन्हें इम्प्रेस करने की कोशिश करती है। अब कुछ दिनों बाद फर्नांडिस सर उनको बताते हैं कि उनको सस्पेंड नहीं किया गया है, बल्कि वो लोग उनका टेस्ट ले रहे थे, क्योंकि पुलिस को सस्ता से पता चला है कि उन लोगों का एक बॉस है जिसका नाम नायक है और वो इन सब क्राइम्स के मास्टरमाइंड है। तो उसे पकड़ने के लिए पुलिस भूमि का इस्तेमाल करेगी और इसी बात के लिए वो लोग भूमि का टेस्ट ले रहे थे। अब नायक को पकड़ने के लिए पुलिस भूमि को ट्रेन करने लगती है और उसे फिर से एक प्रोस्टिट्यूट का गेटअप या फिर लुक देती है। क्यों? क्योंकि नायक को भी सस्ता की तरह लड़कियों का शौक है और वो भी जब उनका मन करे प्रोस्टिट्यूट को सड़क से उठाकर अपने घर में ले जाते हैं। अब पुलिस भूमि को एक प्रोस्टिट्यूट बना के नायक को फंसाने के लिए भेज देती है। अब नायक भूमि को उठाकर अपने घर में ले आता है और उसकी अच्छी तरीके से जांच पड़ताल करता है, और नायक भूमि को ये बताता है कि वो लड़कियों के ऊपर अपने आप को फोर्स नहीं करते और लड़की की मर्जी हो तभी उनके साथ सेक्स करते हैं। अब इसी बीच नायक को यह शक होने लगता है कि शायद सस्ता उसे मारना चाहता है और इस काम के लिए शायद उसने भूमि को भेजा है, क्योंकि नायक के तो गुंडे उसे ये बताते हैं कि भूमि और सस्ता इससे पहले मिल चुके हैं और उन लोगों ने ही भूमि को सस्ता के लिए उठाया था। इधर पुलिस ये सोचने लगती है कि शायद सस्ता उनके साथ गेम खेल रहा है और वो उनके जरिए नायक को मरवाना चाहता है। अब एक दिन सस्ता नायक के घर आता है और वो भूमि से कहता है कि उस दिन जो अधूरा रह गया था उसे वो आज पूरा करके ही छोड़ेगा, मतलब वो भूमि के साथ सेक्स करेगा और उसके बिच्छू को वो मार के ही दम लेगा। अब इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी
सस्ता अभी तक तो उस बिच्छू के ही पीछे पड़ा है। अब तभी वहां पर नायक आ जाता है और वो भूमि के सामने ही सस्ता को जान से मार देता है। तो भूमि के बिच्छू को मारने के चक्कर में सास्सा इस बार खुद ही मर जाता है। अब इसके बाद नायक भूमि के साथ क्या करता है और आखिर में क्या होता है वो जानने के लिए आपको ये वेब सीरीज देखनी पड़ेगी। तो आप लोग देख सकते हैं कि इस वेब सीरीज की जो कहानी है वो ऐसे तो कुछ खास नहीं है, लेकिन इसके जो एक्टर्स हैं उन सभी ने इतना बढ़िया काम किया है कि आपको ये वेब सीरीज देखने में अच्छी लगती है। तो आप बात करते हैं एक्टर्स के बारे में, तो पहले बात करते हैं आदिति पोहंकर जिन्होंने भूमि परदेसी का किरदार निभाया है। वो अपने कॉन्स्टेबल और एक प्रोस्टिट्यूट दोनों ही कैरेक्टर में बहुत ही जचती हैं और उन्होंने अपने रोल को बहुत ही बखूबी से निभाया है। इस वेब सीरीज में ये दिखाया गया है कि भूमि के पति ने उसको इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो उसे सेक्सुअली खुश नहीं कर पाती थी, लेकिन दूसरी तरफ ये दिखाया गया है कि भूमि ना जाने कैसे कैसे दूसरे मर्दों के पास जाकर उनको अपने हुस्न के जलवे से रिझाने की कोशिश करती है। लेकिन चाहे जो भी हो उन्होंने अपने कैरेक्टर के हिसाब से बहुत ही अच्छा एक्टिंग किया है। और एक बात, पता नहीं आप लोगों में से किसी ने ये बात नोटिस किया होगा कि नहीं कि अदिति पोहंकर कभी कभी जानवी कपूर के कुंभ के मेले में बिछड़ी हुई जुड़वा बहन जैसी लगती है। उसके बाद बात करते हैं विजय वर्मा जिन्होंने शास्त्रा का किरदार निभाया है। अब हम सबको पता है कि विजय वर्मा एक बहुत ही अच्छे एक्टर हैं और उन्होंने अपने सासा के किरदार को बहुत ही बखूबी से निभाया है, लेकिन वो भूमि के बिच्छू मारने के चक्कर में एक बार तो जेल चले जाते हैं और दूसरी बार खुद ही मार जाते हैं। तो अगर वो थोड़ा बिच्छू से दूर रहते तो इतना सारा कांड ना हुआ होता। उसके बाद विश्वास किनी जिन्होंने ऑफिसर जेसन फर्नांडिस का किरदार निभाया है और उन्होंने भी अपने रोल को बहुत ही अच्छी तरीके से निभाया है। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि ये बंदा वही है जिन्होंने बीरे दी वेडिंग मूवी में कोई डिग्री के बिना ही सोनम कपूर को चरम सुख की प्राप्ति करवाई थी मल्टीपल टाइम्स। उसके बाद शिवानी रंगोले उर्फ रूपा जिन्होंने भूमि के सिस्टर का किरदार निभाया है। वो इस वेब सीरीज में कुछ भी नहीं करती हैं, ना स्कूल ना ही कॉलेज जाती हैं, अपने माँ और बहन के साथ लड़ती रहती हैं और हमेशा मेकअप करके सज धज के अपने जलवे भी करती रहती हैं। और उन्होंने भी अपने रोल को ठीक ठाक ही निभाया है। और आखिर में किशोर कुमार जी जिन्होंने नायक का किरदार निभाया है और उन्होंने भी अपने रोल को बहुत ही अच्छी तरीके से निभाया है। अब इस वेब सीरीज में यह दिखाया गया है कि वो एक बहुत ही बड़े लेवल के क्रिमिनल हैं जिनको आज तक किसी ने नहीं देखा है और वो अपने प्रोटेक्शन या फिर सिक्योरिटी पे बहुत ही ध्यान देते हैं, लेकिन वो अपने लड़कियों के शौक पूरी करने के लिए ऐसे ही सड़क से जाके लड़कियां उठाकर ले आते हैं। तो अगर वो इतने बड़े क्रिमिनल हैं और उनके पास इतना सारा पैसा है तो वो सड़कों से जाके लड़कियां क्यों उठाते हैं ये आपको समझ में ही नहीं आता है। तो अगर ओवरऑल बात करें, अगर आपको फीमेल कैरेक्टर पर बेस्ड वेब सीरीज देखना पसंद है तो आप लोग इस वेब सीरीज को देख सकते हैं। अब वैसे तो ये वेब सीरीज क्रिमिनल्स पर बेस्ड एक क्राइम थ्रिलर है, लेकिन इसमें ना ही क्राइम और ना ही कोई थ्रिलर टाइप की एलिमेंट आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो आप बात करते हैं किसिंग या फिर लव मेकिंग सीन्स के बारे में। तो इस तरह का पहला सीन आप लोगों को देखने को मिलेगा एपिसोड 1 में, जिसमें विजय वर्मा उर्फ शाशा आदिति पोहंकर उर्फ भूमि को एक कार में सेक्सुअली मोलेस्ट करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद एपिसोड 1 में ही शाशा भूमि के हर जगह टच करता है और अपने आप को उसके ऊपर फोर्स करता है और उसके साथ जबरदस्ती सेक्स करने की कोशिश करता है। उसके बाद एपिसोड 2 के शुरुआत में उसी सीन का अगला भाग आप लोग को देखने को मिलता है। फिर एपिसोड 2 में ही आदिति अपने बदन को आईने में देखती रहती है, इस तरह का सीन आप लोग को देखने को मिलेगा। उसके बाद एपिसोड 3 में फिर से आदिति अपने बॉडी को आईने में निहारती रहती है, इस तरह का सीन आप लोग को देखने को मिलता है। फिर एपिसोड 3 में आदिति एक रेस्टोरेंट में एक रैंडम गाय को सीड्यूस करने की कोशिश करती है, इस तरह का सीन आप लोग को देखने को मिलता है। उसके बाद एपिसोड 4 के शुरुआत में आदिति अपने सिस्टर के बॉयफ्रेंड को बैल्कनी से टीज करती रहती है, इस तरह का सीन आप लोग को देखने को मिलेगा। फिर एपिसोड 5 में आदिति फिर से अपने सिस्टर के बॉयफ्रेंड के साथ एक होटल में जाती है और वहां भी उसे टीज करती रहती है। उसके बाद एपिसोड 6 में अदिति नायक के घर जाती है और वहां पर उसके गुंडे उसके सारे कपड़े उतार कर उसे चेक करते रहते हैं। फिर एपिसोड 7 में नायक अदिति के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है, इस तरह का सीन आप लोग को देखने को मिलेगा। और आखिर में एपिसोड 7 में ही अदिति और नायक का एक इंटीमेट लव मेकिंग टाइप का सीन आप लोग को देखने को मिलेगा, जिसका एक झलक आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज सी के सारे केस फाइल्स की डिटेल्स। तो आपकी इस वेब सीरीज के बारे में क्या राय है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और इस वीडियो को देखने के लिए सभी को धन्यवाद।